छोड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़ कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा, तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया, प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, धनतेरस की पूजन का बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण, आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले, किसान सुनो, ये धनवंतरी मेरा ही एक अंश होगा। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धनवंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धनवंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उनके अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धनवंतरी भगवान की, धनवंतरी भगवान की। कहते हैं धनवंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धनवंतरी देव को देखकर कहा, वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर कर आयो हो। प्रभु जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज जी, शिव महापुराण की कथा कहती है दो तरह की वाणी होती है, एक मैं अपने क्रोध कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं, किसान सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धनवंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले, सुंदर जल से लीपन कर कर वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है, इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस है, आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें, और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें।
चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें, थाली लें, उस थाली पर कंकु से, धौली से, कुंकू से गीला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का क्वाइन नहीं हो, तो अपने घर का एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें, आटे के सात दिए बनाएं, एक थाली में एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी, लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे महाराज। घी के दिए लगा दें साथ, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें, एक दिया तेल का लगा दें, तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है, क्वाइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें, और जो सात दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ, वहां पर सातों दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख लें, जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है, एक दो पांच दस का जो सिक्का रखा है उसको लपेट, थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें, साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें, चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज सात सुंदर आनंद से अमर बेल के टुकड़े, अमर बेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमर बेल कहलाती। ये अमर बेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती है। ये अमर बेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते, जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में बेबाऊ लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमर बेल के सात टुकड़े, कमलगट्टे सात,
हल्दी की गठान साथ माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज, घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज, ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से, रूप 14, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, मां आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो, मां हे वे बहु लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारी है, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं, उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए। महाराज, एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करी, एक दीप वहां पर भी रखा जाए, जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगाएगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करते हे मां, कृपा सागर, करुणा सागर, मां आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराजमान हो, मां ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज, मां से विनती कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान, आपने अगर धनवंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए। उसका भी पूजन बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया।
बड़ा हुआ। किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण, प्रभु, क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं, सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन, सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है माँ धन्वंतरी की पूजन। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धन्वंतरी का दिवस ही है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धन्वंतरी की पूजन करना है आपको, अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए।